लखनऊ में गोभी की खेती करने वाले किसानों को इस साल फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ फसल के अनुकूल मौसम मिलने से उत्पादन अच्छा हुआ, तो दूसरी तरफ किसानों को सब्जियों के अच्छे दाम नहीं मिले। लखनऊ के गोसाईगंज के कासिमपुर गांव में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है। यहां के किसान राम कैलाश ने 2 बीघे में गोभी की खेती की थी, लेकिन फसल अच्छी होने के बावजूद उन्हें लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो अभी तक की क्या हाल है? हाल बड़े खराब भैया, लागत आ जाए है बड़ी बात। रेट नहीं अच्छा मिल रहा? रेट भी कुछ अच्छा रहे, लेबर नहीं कहीं। सरकार जो है गल्ला बांट बांट के कोई लेबर नहीं, ना काटे वाले, ना गल्ला काटे वाले, ना यह काम करे वाले। अपने हाथे मर रहे, 63 साल के हैं, 60 साल भी गवर्नमेंट नहीं दे रहे, मर रहे। अच्छा, कितने दिन में हो जाती है फसल तैयार? 3.5 महीना। 3.5 महीना में अगर आपने 2 बीघे में कितनी लागत लगाई थी? 20,000 लगवा भैया। 20,000? कम से कम 20,000। और अभी तक आप निकाल रहे हैं, कितना निकल आया है? अभी 5-6 हजार रुपया आया है मुश्किल से। हाँ। क्या लगता है लागत निकल पाएगी? काक पाद के निकल ये है, मजबूरी ना निकल। ये हाल सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि गांव के दूसरे किसानों का भी है। फूलगोभी से बुरा हाल बंद गोभी का है। किसानों की लागत तो दूर, मंडी ले जाने का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मंडियों में बंद गोभी की कीमत 2 से 3 रुपए रह गई है। गोभी की खेती करने वाले किसान भले ही दाम अच्छा न मिलने से परेशान है, लेकिन फुटकर में गोभी के दाम ज्यादा है। सब्जी की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को फूल गोभी 15 से 20 रुपए की पड़ रही है। लखनऊ से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें किसान तक के साथ।